यस माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ में जो बच्चे स्कूल में अच्छा नहीं करते हैं, बैक बेंचर्स होते हैं, वो कई बार कमाल कर जाते हैं और ज़्यादा पैसा कमाते हैं। आज के डेट में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बिज़नेस के अलावा, मार्क्स नहीं किया है, मार्क्स नहीं आपके तो आप बिज़नेस करके तो बहुत पैसा कमा सकते हो, पर ऐसे क्या 5 प्रोफेशंस हैं जिसमें आपके नंबर कम भी हैं तो आप जाके बहुत पैसे कमा सकते हो। है देयर फ्रेंड्स, द नंबर वन प्रोफेशन इज जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में जाने के लिए दोस्तों मार्क्स की ज़रूरत नहीं है। जर्नलिज्म में शुरू में पैसा जो बहुत कम है, पर आपने अगर अपना अच्छा काम किया है, अगर आप एक न्यूज़ एंकर हो, अगर आप अच्छा आर्टिकल्स लिखते हो, अगर आप कोई शोज़ के एंकर हो, आप अगर कोई चैनल के एंकर हो, आप वीजे हो, आरजे भी हो, आप अच्छा हो, तो आपका एक ब्रांड बनता है। 5-10 साल में आपकी सैलरी शुरू में बहुत कम होती है जर्नलिज्म में, पर आपने अच्छा काम किया तो आपका खुद का एक ब्रांड बनता है। आयुष्मान खुराना भी पहले जर्नलिज्म में ही थे, वो एंकरिंग करते थे, उन्होंने मास कॉम की पढ़ाई भी की थी और उन्होंने अपना ब्रांड बनाया। उसके बाद वो मूवीज़ में आ गए। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ एंकर थे जिन्होंने अपना ब्रांड बनाया और उन्होंने अपना ही चैनल खोल लिया है। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स लिखने वाले हैं जिन्होंने अच्छा काम किया और अपना ही अब एक पब्लिशिंग हाउस बना लिया है। तो जर्नलिज्म में मार्क्स बहुत कम भी हैं तो चलेगा, पर आपको क्रिएटिविटी चाहिए। बहुत लोग इस करियर के बारे में जानते हैं पर जाते नहीं हैं। अगर आपके 12 पे नंबर कम है, आपका क्रिएटिविटी है आप में, आप क्रिएटिव इंसान हो, तो आप जर्नलिज्म में ज़रूर जाओ, अगर आप इनिशियली कम सैलरी में स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड, स्टैंड अप कॉमेडी। अगेन, स्टैंड अप कॉमेडी में घुसना तो आसान है, शुरू में पैसे कम हैं, पर आपका कोई शो वायरल हो गया, अगर आपने अच्छा कंटेंट बनाया तो बाद में बहुत पैसा है। आजकल जितने भी अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, बहुत सारे लोग MBA करके स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, अच्छे कॉलेजेस से, FMS से, IIT गाज़ियाबाद से, बहुत लोग स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं और जॉब छोड़ देते हैं। तो सोचिए कि जब लोग इतने अच्छे अच्छे कॉलेज से MBA करके भी जॉब छोड़ के स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं तो कितना पैसा है स्टैंड अप कॉमेडी में। सेकेंड करियर दोस्तों स्टैंड अप कॉमेडी। थर्ड इज़ कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन का मतलब होता है किसी प्लेटफॉर्म में कंटेंट बनाना, वीडियो कंटेंट या टेक्स्ट कंटेंट। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं यूट्यूब में कंटेंट बना रहा हूँ। यूट्यूब में बहुत पैसा है, आपको पता होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स, रणवीर अल्लाहबादिया हो गए, सेजल हो गई, ये लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं। और अगर आपका कंटेंट क्रिएशन किसी प्लेटफॉर्म में चल गया, इंस्टाग्राम में चल गया, तो अगेन इनिशियली पैसा नहीं है, बाद में आप पैसे यूट्यूब में तो ना केवल ऐड से कमा सकते हो बल्कि ब्रांड कोलैबोरेशन से भी बहुत पैसे मिलते हैं आपको। तो कंटेंट क्रिएशन इज थर्ड। फोर्थ माई डियर फ्रेंड्स इज इंटीरियर डिज़ाइनर। अगर आपने इंटीरियर का कोर्स किया है, उसमें मार्क्स तो चाहिए नहीं, उसके बाद आप जॉब कर लो, एक्सपीरियंस ले लो, आपके क्लाइंट्स अच्छे हैं तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में बहुत मार्जिन है, बहुत पैसा है। घर में लोग बहुत पैसे लगाते हैं, घर में लोग और शादी में इंडिया में लोग बहुत पैसे लगाते हैं। अगर आपको घर में पैसा बनाना है तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग, लोगों के घर सुंदर बना के आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग में बहुत पैसा कमा सकते हो। अगेन इसी फिलॉसफी पे मेरा 5th हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशन है मेरे हिसाब से, वेडिंग प्लानर। वेडिंग प्लानिंग में आप बहुत पैसे कमा सकते हो, लोग शादी में बहुत पैसा खर्च करते हैं। अगर आपके अच्छे क्लाइंट्स हैं, आपने अच्छा काम किया तो आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे और आपने शादी अच्छे से कराया, हाई प्रोफाइल लोगों का कराया, तो आप वेडिंग प्लानिंग में बहुत पैसे कमा सकते हो। तो एक एक शादी से 20-20 लाख रुपये भी लोग कमाते हैं। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, स्टे सेफ, टेक केयर।